चलिए राउंड फोर शुरू करते हैं। Let's go! तो आपका चौथा टॉपिक है उठने के तुरंत बाद पहले मुंह धोना या फिर पहले ब्रश करना। अरे ये बात तो सबको पता है कि सबसे पहले ब्रश किया जाता है और सभी लोग सबसे पहले ब्रश ही करते हैं। हम कौन सी टीम में हैं? आप मुंह धोने वाली टीम में हो। चलो ठीक है, इस बार अगर कोई अपने बालों को भी टच करेगा तो उन पे पानी से अटैक किया जाएगा। चलो बहस शुरू करते हैं। तो बताइए आप सबसे पहले फेस वॉश करते हो या? चलो बहस की शुरुआत ठंडे पानी से करते हैं। ये लो, एक बार अच्छे से नहा लो जी हो। तो बताइए आप पहले फेस वॉश करते हो या फिर ब्रश? ये कैसे हो रहा है? ये सब कौन कर रहा है? अरे आगे से खड़े मत होना, बैठकर ही बात करना। ये तो बस चेहूप के स्वागत के लिए था। तो जब आप नहाते हैं तो सबसे पहले तो चलिए आप बताइए सबसे पहले आप क्या करते हो? अरे ये सब क्या हो रहा है? अरे आप कुछ तो बताइए हमें क्या नहीं बोलना है? कोई कुछ भी मत करो, सभी सीधे से बैठ जाओ। ठीक है, देखो जब हम नहाते वक्त ब्रश करते हैं तो टूथपेस्ट का सारा फोम हमारी बॉडी और फेस पे लग जाता है और फिर हम गंदे हो जाते हैं, इसलिए ब्रश हमें पहले करना चाहिए। बॉडी पे कैसा लग जाता है? क्या तुम मुंह से सारा फोम अपनी बॉडी पे डालते हो? लगता है तुम ऐसा ही करते हो। हाँ बिल्कुल, मैं तो ऐसा ही करता हूँ। इसीलिए हमें ब्रश तो पहले ही करना चाहिए। देखो जैसा कि हम सभी सुबह नहाते हैं, नहीं रात में भी, हाँ एक बार सुबह और एक बार सोने से पहले। सुनो कोई अपने बालों को टच मत करो। जेहोप मत करो। अरे जेहोप अपने बालों को हाथ मत लगाओ। क्या सच में बालों को हाथ नहीं लगाना है? चलिए आप अपनी बात शुरू कीजिए। जेहोप को तो देखो कितना फनी लग रहा है। रुको जेहोप, मैं तुम्हारे बाल ठीक कर देता हूँ। वी नीचे बैठ जाओ, तुम खड़े नहीं हो सकते। और बालों को टच मत करो। हाँ बोलो, तुम क्या बोल रहे थे? तो पता है जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे मुंह में कितने सारे जर्म्स होते हैं, इतने कि हम गिन भी नहीं सकते। और ऐसा कहा जाता है कि हमें बिना ब्रश किए तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। और पता है जब कोई बिना ब्रश किए बाहर जाता है तो उसे लोग क्या कहते हैं? पता है लोग कहते हैं, दूर हटो, तुम्हारे मुंह से कितनी सड़ी हुई बदबू आ रही है। मैं बिना मुंह धोए तो फिर भी बाहर जा सकता हूँ, लेकिन अपने मुंह में इतनी बदबू लेकर बिना ब्रश किए मैं कहीं नहीं जा सकता। मुझे कुछ कहना है। हाँ बोलो जिन। देखो मैं एक सिंपल सी बात कहना चाहता हूँ। माफ करना, मैंने गलती से अपने बालों को टच किया। जिन भूलो मत, अपने दोनों हाथों पे कंट्रोल रखो। चलो ऐसे रख लेता हूँ। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि देखो नहाना और ब्रश करना दोनों ही अलग चीजें हैं, इसीलिए इन दोनों को अलग अलग करना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा। तो या तो हमें पहले नहाना चाहिए या फिर ब्रश करना चाहिए, या फिर पहले ब्रश करना चाहिए और फिर नहा लेना चाहिए। देखो ब्रश करना और नहाना ये दोनों अलग अलग काम है, तो मेरा मानना है आपको एक बार नहा लेने के बाद ब्रश करना चाहिए। और अगर फिर भी आपको लगता है कि ये दोनों काम एक है तो फिर आप टॉयलेट के समय ब्रश क्यों नहीं करते? जी ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? नहाते समय तो हर कोई ब्रश करता है लेकिन टॉयलेट के समय कोई नहीं करता। और तुम सच्चाई को घुमाने की कोशिश मत करो। जिन तुम लोगों को गलत बात बताकर उन्हें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हो। हाँ हमारे आगे ये सब नहीं चलेगा। देखो ज्यादातर लोग तो पहले मुंह धोते हैं और फिर ब्रश करते हैं। पहले बाहर का काम फिर अंदर का काम। ये अंदर बाहर के बहाने हमें मत दो। सुनो आरएम, हमें कुछ कहने से पहले जाओ, तुम ब्रश करके आओ। क्या? नहीं मैं तो पहले मुंह धोऊंगा। चलो फिर हम सभी अपना मुंह धो लेते हैं। बहुत अच्छे वी। तो
तैयार है? देखो कुछ भी ऐसा वैसा मत करना जिससे हम पे पानी डाला जाए। मैं तो इस बार कुछ भी नहीं करने वाला। चलो अब शुरू करते हैं। तो आपका अगला टॉपिक है नूडल्स में जो समुद्री सब्जियां डाली जाती हैं उन्हें खाना चाहिए या नहीं। रुको, बहस शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सुनोवी, क्या तुम सच में अपनी टोपी इस तरह से पहनना चाहते हो? हाँ, इसे तो मैं ऐसे ही पहने रखूंगा। एक बार और सोच लो। चलो ठीक है, तुम्हें लगता है तुम टोपी पहनकर पानी से बच लोगे? मैं नहीं डरता, डालो मुझ पे पानी। अरे डालो ना। चलिए तो फिर बहस शुरू करते हैं। हम खाने वाली टीम में है ना? हाँ। तो नूडल्स में जो समुद्री सब्जियां डाली जाती हैं, अरे बिना कुछ किए पानी क्यों डाल रहे हो? हाँ तो बताइए मिस्टर, आप क्या बता रहे थे? मुझसे कह रहे हो? हाँ तुमसे, तुम खाने वाली टीम में हो ना? सुनो, क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? देखो, कोरिया में समुद्री सब्जी को बहुत अच्छा और लकी माना जाता है। बिल्कुल सही कहा, इसका मतलब ये चीज आपके लिए लकी है। तो पता है कोरियन भाषा में समुद्री सब्जी का मतलब क्या होता है? जैसा कि कोरिया में इसका मतलब दशिमा होता है और उसका मतलब होता है कि इसे दोबारा कभी मत खाना। समझे कुछ? अपनी टीम की तरफ से कुछ बोलना चाहता हूँ। फिर डांस करना बंद करो, बहस पे ध्यान दो। देखो मेरी बात सुनो। क्या तुम सुन रहे हो? मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अरे वे इधर ध्यान दो, जिन तुम्हें कुछ कहना चाहता है। हाँ हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। बोलो जिन। खरीदे हुए खाने में से अच्छी चीजें बाहर निकाल कर कैसे फेंक सकते हो? पता नहीं ये पानी बार बार क्यों डाला जा रहा है। देखो सभी मेरी बात सुनो। अब पता चला ये सब क्यों हो रहा है? देखो मुझे लगता है समुद्री सब्जियां नूडल्स में डाले जाने वाली सबसे अच्छी चीज है। देखो तुम सभी मेरी बात सुनो। देखो जो भी सबसे फनी पॉइंट सुनेगा वो इस राउंड में जीत जाएगा। अचानक से तुम ये क्या बोल रहे हो? भला ये कैसी बहस है? देखो कोरियन में इसे दाशिमा कहते हैं, तो इसे नाम पे पॉइंट बनाओ। दाशिमा, दाशिमा। माफ करना, अब ये बहस एक कॉमेडी शो में बदल चुकी है। चलो दासे सुनाओ। जिंदगी ऐसी ही है, शी से शुरुआत सबसे मुश्किल है, माँ से मरना चाहते हो क्या तुम?
पोएम बिल्कुल भी फनी नहीं थी। चलो अब तुम सुनाओ। दासे, मैं इन्हें फिर कभी नहीं खाऊंगा। शी से सुनाओ, शेहक भी इन्हें अपने नूडल्स में डालकर नहीं खाते। आगे माँ से सुनाओ, मैं नहीं जानता। हमने आपको हंसाया, चलो हम जीत गए। देखो अब मैं ये कहना चाहता हूँ, वी हमें तुम्हारी बात जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। पता है ये समुद्र की सब्जियाँ तो कभी पैदा ही नहीं होना चाहती थी, ये क्या बात हुई? सच कहूँ तो मुझे आपके बहस के बारे में कुछ नहीं पता, जो करना है करो। मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। आपका समय पूरा हुआ, तो आपका अगला टॉपिक है, क्या आपको चावल की मीठी ड्रिंक पीना पसंद है या फिर नहीं? चलिए तो बहस शुरू की जाए। अच्छा ये बताओ, क्या आप अपने चावल सूप में डालकर खाते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या तुम वो ड्रिंक बिना चावल के पीते हो? हाँ, मैं ज्यादा फैट वाली चीजें नहीं खाता। शुगर झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें ऐसी चीजें खाते हुए देखा है। हाँ वो तो मैं कभी कभार खा लेता हूँ। देखो हमें स्वीट राइस ड्रिंक पीनी ही चाहिए। जिन ये तो तुम अपने पसंद की बात बता रहे हो, जिन ये चीज तुम्हें पसंद है तो उसे हम क्यों माने? माफ करना, मैं बस चेक करने के लिए खड़ा हुआ था। सुनो जंगकुक। हाँ बोलो। अरे जंगकुक हमें हाँ नहीं बोलना है, जिमिन जानबूझकर तुमसे बुलवा रहा है। देखो मेरी बात सुनो, जैसा कि भले ही हम सातों अलग अलग हैं, लेकिन दिल से हम एक हैं। देखो अगर हम सातों में से किसी एक को पीछे छोड़कर हम छह घूमने चले जाए, तो जो इंसान पीछे रहेगा सोचो उसे कितना बुरा लगेगा। तो उसी तरह चावल की और मीठी ड्रिंक की भी एक जोड़ी है। हाँ चावल को अलग कैसे कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, तो अगर हम चावल की मीठी ड्रिंक को बिना चावल के पियेंगे तो सोचो चावल को कितना बुरा लगेगा। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ जिनकी इस बात में दम है। अरे चेहक नीचे बैठो। देखो हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तो मैं दोनों टीम को एक आखिरी मौका दूंगा अपनी अपनी बात बताने का। देखो आज के समय में लोग सबसे ज्यादा अपनी मोटापे की बीमारी से दुखी हैं, और इस ड्रिंक को बनाने के लिए तो इसमें सबसे ज्यादा शक्कर डाली जाती है, और ऐसी ड्रिंक को पीने के बाद मोटे होने के चांसेस तो और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जैसा कि हम केपॉप आइडल्स हैं, तो हमें तो हमेशा ही फिट रहना होता है। देखो जो चीज एक साथ खाई जाती है, हमें भी उसे एक साथ ही खाना चाहिए। तो सुनो अब मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। देखो BTS तब होते हैं जब हम सातों ही एक साथ होते हैं, तो वैसे ही चावल की मीठी ड्रिंक चावल के बिना अधूरी है, लेकिन इसके नुकसान भी तो है ना। मैं अपना फैसला सुना चुका हूँ। चलो अब आखिरी बारी है शुभा की, ये लास्ट राउंड है, तो सभी अच्छे से बहस करना। तो सभी सामने देखिए, ये रहा आपका टॉपिक। तो आपका लास्ट टॉपिक है, आपको किशमिश वाली ब्रेड पसंद है वर्सेस नहीं पसंद। देखना असली बहस तो अब होगी। बताइए हम कौन सी टीम में हैं? लेकिन जेहूब को तो किशमिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ इसलिए मैं नापसंद वाली टीम में जा रहा हूँ। मुझे तो किशमिश पसंद है। मुझे भी नापसंद वाली टीम में जाना है, जिसे पसंद है वो यहाँ आ जाओ। मुझे तो किशमिश बहुत पसंद है, मैं वहाँ चला जाता हूँ। अरे ये कुर्सी तो छोड़ कर जाओ, इसे कहाँ ले जा रहे हो? अच्छा ये बताओ आप किशमिश वाली ब्रेड खाते क्यों हो? हाँ बिल्कुल, मुझे तो समझ नहीं आता ब्रेड में किशमिश डालने की जरूरत ही क्या है। और पता है विदेशों में तो इसे शैतानी खाना कहा जाता है। इन किशमिश को तो बनाना ही नहीं चाहिए था। तुमने बिल्कुल सही कहा। रुक जाओ हम भी कुछ कहना चाहते हैं। वी किसी की तरफ उंगली नहीं करनी है। हाँ ठीक है, तो मैं इस तरह से तो कर सकता हूँ ना? हाँ इस बार पानी तो नहीं डाला। अरे जानबूझकर किसी की तरफ अपनी उंगली मत करो। ये जंगकुक ने किया था। अच्छा ये सोचो ब्रेड में किशमिश क्यों डाली जाती है? क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को टेस्टी लगती है, इसलिए डालते हैं।
हाँ बिल्कुल, और इसे शैतानों का खाना इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तो शैतानों को भी बहुत अच्छी लगती है। हाँ मैंने भी ऐसा न्यूज़ में सुना था। अरे चमकुक उंगली करना बंद करो। हाँ ठीक है। देखो दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तरह तरह के ब्रेड्स खाते हैं और सबसे ज्यादा लोगों को स्लाइस ब्रेड पसंद है, इसीलिए मुझे समझ नहीं आता ये लोग बिना किसी वजह के ब्रेड में किशमिश क्यों डालते हैं। अगर नहीं डालते तो ब्रेड सॉफ्ट होती। जब अचानक से किशमिश दांतों के नीचे आती है तो इस तरह से खाना पड़ता है। चंकुक तुम कुछ बोलो। हाँ किशमिश वाली ब्रेड बहुत टेस्टी होती है। और हाँ अगर आप लोगों को नहीं पसंद तो खाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो मैं ब्रेड को चॉकलेट के साथ भी खा सकता हूँ और बाकी सभी चीजों के साथ भी खा सकता हूँ, लेकिन मैं किशमिश वाली ब्रेड कभी नहीं खा सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे सॉफ्ट ब्रेड खाना पसंद है और किशमिश की वजह से उसे बहुत चबाना पड़ता है और मुझे किशमिश की मिठास भी नहीं पसंद। लेकिन किशमिश तो बहुत अच्छी लगती है। हाँ वो बहुत टेस्टी होती है। पता है किसने कहा है कि स्लाइस ब्रेड को पूरी तरह से टेस्टी बनाने के लिए उसमें 2% किशमिश मिलाई जाती है। 2% किशमिश मिलाई जाती है? अरे वे उंगली मत करो। ठीक है तो ऐसे ही करते हैं। देखो ऐसा तो किसी ने नहीं कहा है कि स्लाइस ब्रेड को टेस्टी बनाने के लिए उसमें किशमिश मिलाई जाती है, वो बिना किशमिश के भी बहुत टेस्टी लगती है। देखो आप स्लाइस ब्रेड को तो दूध में मिलाकर भी नहीं खा सकते। शुगा तुम तो होस्ट हो ना, तो चुप रहो। मैं तो बस बता रहा था। अच्छा मेरी बात सुनो, सोचो अगर ये दुनिया खतरे में होती और तुम्हें कहीं पे भी खाना खाने को नहीं मिलता और अगर उस समय कोई बचाने वाला आता और तुम्हें किशमिश ब्रेड देकर बोलता ये लो इसे खा लो तुम भूखे मत रहना, तो उस समय तुम क्या करते? क्या उस समय भी तुम नहीं खाते? हाँ खाते, लेकिन वो एक अलग सिचुएशन होती। अरे एक दूसरे के सामने उंगली करना बंद करो। देखो अगर किशमिश और ब्रेड को अलग अलग खाया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जैसा कि आप लोगों को बहुत पसंद है तो आप ब्रेड में अलग से किशमिश मिलाकर भी खा सकते हो। हाँ पर ये तो आपका समय पूरा हुआ। तो चलिए अब वक्त है विनर अनाउंस करने का। जैसा कि ये गेम शुरू होने से पहले आप सभी ने अपने हाथों पे रन बीटीएस लिखा था, तो चलिए देखते हैं किसके हाथों पे रन बीटीएस अभी भी लिखा हुआ है। देखो मेरे हाथों पे तो सिर्फ थोड़ा सा ही बचा है और मेरे हाथ तो बिल्कुल साफ है। मुझे लगता है जिमिन या शुगा में से ही कोई विनर होगा। हाँ जिमिन ने बहुत ही मोटे मोटे लेटर्स में लिखा था इसलिए वो मिटे नहीं। हाँ मेरा लिखा हुआ इतना भी साफ नहीं है। शुगा जो बच गया है उसे भी मिटा दो। तो आज के इस गेम के विनर है जिमिन और प्राइस के रूप में इन्हें मिल रहा है होटल का वाउचर। रुको लाओ इसे मुझे दे दो। वी इसे मुझे दो। मुझे आज सभी मेंबर्स के साथ ये नया गेम खेलकर बहुत मजा आया और मैं इस प्राइस को बहुत अच्छे से यूज करूंगा। चलो अब सभी एक साथ रन बीटीएस बोलते हैं। रन बीटीएस। आज आप पर बहुत बार पानी से अटैक हुआ, इसीलिए हमारे डायरेक्टर भी इस पानी के अटैक को ट्राई करना चाहते हैं। ओह क्या सच में? अटैक शुरू किया जाए। ना, तूर, सेट।